हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस नोट्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे आर्टिकल 19 के बारे में और जितने भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। इस आर्टिकल से रिलेटेड वैसे तो केस लॉज के भंडार हैं बहुत ही, मतलब कोई लिमिट नहीं है इस आर्टिकल के ऊपर, लेकिन जितने मोटे मोटे 10-11 केस लॉज निकले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड अगर आप इस आर्टिकल या किसी और आर्टिकल जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर 24/6 वीडियोस हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप इनके भी नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से previousnotes.com पर आकर इसे भी गो थ्रू कर सकते हैं और नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, आर्टिकल 19 को कुछ लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इसका स्कोप और इसका जो बातें कही गई है वो बहुत ही वाइड हैं। सब डिटेल में सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आर्टिकल 19 की क्लोज 1 के बारे में। देखिए, पहली बात जो आपको नोट करनी है कि ये सिर्फ सिटीजन को राइट दिया गया है, यानी कि सिर्फ और सिटीजन इसे क्लेम कर सकते हैं, कोई भी आउटसाइडर या फॉरनर्स इसे क्लेम नहीं कर सकता। क्या राइट दिया गया है सिटीजन को, कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहला तो अपने आप को एक्सप्रेस करने का या कुछ कहने का अधिकार दिया गया है। दूसरा कहा गया है कि टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, असेंबल हो सकते हैं। सी में कहा गया है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि सारे सिटीजन जो हैं वो कोई एसोसिएशन बनाना चाहे, यूनियन बनाना चाहे या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं। और इसके सब प्लस डी में कहा गया है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं और आगे कहा गया कि सेटल भी कर सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मेनली 7 क्लोज हैं, जो मेनली वैसे 7 क्लोज थे इनिशियली, लेकिन जो क्लोज एफ है वो ओमिट कर दी गई है। तो अभी मेनली 6 फ्रीडम हमें दी गई हैं। कौन कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन, और उसके बाद कहा गया है कि कहीं पर भी मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिजाइड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन। ये आपको बाई हर्ट याद होना चाहिए। आर्टिकल 19 का क्या है, आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 में जो ये 6 की 6 फ्रीडम दी गई है। अब मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, पहली क्लोज में तो सारी की सारी हमें दे दी गई हैं फ्रीडम्स, लेकिन दूसरी क्लोज में क्या कहा है कि इस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती हैं। कि कैसी रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। स्टेट के बारे में भी हमने डिटेल में जाना है, स्टेट का क्या मीनिंग है यहाँ पर, जो आर्टिकल 12 में डिफाइन है। अगर आप उसको उसके ऊपर भी केस लॉज जानना चाहते हैं या गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर, और मैं आई बटन पर भी उसका लिंक दूंगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो हो गया कि ये सारी फ्रीडम्स जो है सब सिटीजन को दी गई हैं, लेकिन जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो कोई लॉ बना सकती है जहां पर इन जो फ्रीडम्स जो हमें दी गई हैं उन्हें रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। और किन ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जब अगर कोई क्वेश्चन होगा इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स का, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरेलिटी, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी, और डिफेमेशन में भी, और इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस में भी। लेकिन ये सारी की सारी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1 के ऊपर निर्धारित है। मतलब कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आएगी तब ये सारी की सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट के द्वारा लगाई जा सकती हैं इन ग्राउंड्स पर। ठीक है, जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला होगा, डिसेंसी मोरेलिटी की बात होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात होगी, डिफेमेशन की बात होगी, इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस की बात होगी। अब देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अगर आप कोर्ट में कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो कंटेम्प्ट में आ जाएगा। आपको दो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, लेकिन वो एक लिमिटेड है। ठीक है, डिसेंसी में रहना है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है। अब पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस क्लोज ए ऑफ सब क्लोज क्लोज 1 ऑफ सब क्लोज ए पर अप्लाई कर सकती है। इसी तरह से जो दूसरा है यानी कि टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है इन ग्राउंड्स पर। ठीक है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर के नाम पर, इन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है, और इसी तरह से जो सब क्लोज सी है, यानी कि क्या है सब क्लोज सी हमारी, टू फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव यूनियन, इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। किन ग्राउंड्स पर, इन 4 ग्राउंड्स पर। ये आपको देखिए, अब ना यूपीएससी में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोरेलिटी पूछ लेता है आपको, ABCD दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर
अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इन ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती, तो ये अगर आपको इन डिटेल में तैयारी करनी है, इन डिटेल जानना है, तो ये सारी की सारी किन ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती, वो भी आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए। नहीं तो आपको ये तो याद होना ही चाहिए कि ये छः तो हमारी फ्रीडम्स हैं और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन इन ग्राउंड्स पर लगाई जा सकती हैं, जो कि 8 है काउंट में टोटल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल 19 का क्या रिलेशन है वो देखते हैं अब हम। देखिए, सबसे पहले तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 19 में भी के में ही एनश्राइंड है। यानी कि जब भी आर्टिकल 19 की बात आएगी, अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन से आर्टिकल में है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 है। ठीक है, अब अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतने जजमेंट्स दिए हैं, इतना कुछ कहा है कि ट्रांसपेरेंसी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अभी तो लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले ही आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को भी स्क्रैप कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर भी हमने पूरा डिटेल में आर्टिकल पब्लिश किया, आप देख सकते हैं। यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन का वॉयलेशन था, जो कि आर्टिकल 19 का पार्ट था, तो इस वजह से उसे भी स्क्रैप कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलता है, आर्टिकल 19 में, और ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और रिसेंट एग्जांपल देना हो तो आप दे सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्क्रैप किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब केस लॉज देखते हैं बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला केस लॉ है नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो एलजीबीटी कम्युनिटी थी, देखिए पहले क्या था, सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड, इसमें अगर जो एलजीबीटी यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को क्या कहा गया था, ऑफेंस माना जाता था, लेकिन इसमें ये कहा गया कि ये जो है वोलेशन है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए का, और ये कहा गया, और इसका जो क्रिमिनल यानी क्रिमिनलिटी का जो प्रोविजन था उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। दूसरा है इन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्या हुआ था। देखिए, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये कहा गया था कि द कोर्ट हेल्ड द राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द राइट नॉट ओनली टू पब्लिश बट ऑल्सो टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन। ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 19 में राइट दिया गया है वो सिर्फ पब्लिश का नहीं है, उसे सर्कुलेट करने का भी, यानी कि आपने पब्लिश कर दिया और उसके बाद सर्कुलेट करना चाहते हैं, वो भी आर्टिकल 19 में ही इंट्रिंसिक माना गया है। और तीसरा केस लो है, इसी के ऊपर ही बोला गया है, सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी राइट टू सर्कुलेशन के ऊपर ही है। इसमें ये कहा गया था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट कुड नॉट मेक लॉज विच डायरेक्टली अफेक्ट द सर्कुलेशन ऑफ ए न्यूज़पेपर। यानी कि स्टेट जो है ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर को अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए का वायलेशन है। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो, सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये केस लो जो है किस आर्टिकल से रिलेटेड है, बिजॉय इमैनुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। इसमें क्या है, ये कहा गया था कि जो राइट ऑफ साइलेंस है वो भी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। क्या था, इसे नेशनल एंथम के केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि कुछ चिल्ड्रन थे वो नेशनल एंथम को गा नहीं रहे थे स्कूल में, तो मामला धीरे धीरे पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर उन्होंने कहा कि ये तो क्या है, डिसरिस्पेक्ट है हमारे नेशनल एंथम की, तो कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी रीज़न की वजह से जो उनके कस्टम्स हैं उनकी वजह से वो नहीं गा रहे थे, और राइट टू साइलेंस भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो टेलीफोन टैपिंग केस के नाम से भी जानते हैं, और इसमें क्या है, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो भाई स्टेट किसी भी बात पर, यानी कि सिर्फ ये कहे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हमेशा वो कर ले, टेलीफोन टैप कर ले, तो ये भी वोलेशन है आर्टिकल 19 क्लोज ए क्लोज 1 सब क्लोज ए का। और कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ दो ही, जब दो ही फैक्टर्स होंगे, दो ही कंडीशन दी, एक तो ओकरेंस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, अगर पब्लिक इमरजेंसी है तो, या फिर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, इन दो कंडीशन पर ही जो स्टेट है वो टैप कर सकती है फ़ोन को, अदरवाइज स्टेट को कोई राइट नहीं है फ़ोन टैप करने का। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि आर्टिकल 19 में ही फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है वो
इंट्रिंसिक पार्टी से माना गया, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जब भी रहेगा वो कौन से आर्टिकल में है, वो भी आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में है, ठीक है। और नेक्स्ट है महेश भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये हेल्ड हुआ था, देखिए एक मूवी बनी थी उसमें क्या था, सिगरेट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, तो मामला गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि जो ब्लैंकेट बैन दिया गया है, क्योंकि एक एक्ट में ही ब्लैंकेट बैन दिया गया था कि फिल्म्स में इस तरह के जो सीन है वो नहीं दिखाए जाएंगे, तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है और एक ब्लैंकेट बैन जो है वो नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ प्रेस, बोनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए इसमें क्या हुआ था, सॉरी इसमें क्या हुआ था, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस की लिमिट है एक न्यूज़पेपर में वो फिक्स कर दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये एक अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है और इस तरह की रेस्ट्रिक्शन जो है ये एक वॉयलेशन है आर्टिकल 19 का, यानी कि आर्टिकल 19 क्लोज ए सब क्लोज 1 सब क्लोज ए का, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट केस है नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें एक आ गया था राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग है, वो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है और ये भी आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है, ठीक है। अब ये केस इंपॉर्टेंट है ट्रेड इन लिकर। देखिए एक केस में हेल्ड हुआ था कि जैसे मान लीजिए कुछ स्टेट्स ने क्या कर रखा है, ब्लैंकेट बैन लगा रखा है लिकर की ट्रेड पर। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये ठीक है, स्टेट ऐसा कर सकती है कि वो लिकर के ऊपर ही बैन लगा दे, एब्सोल्यूट बैन लगा दे। तो कोर्ट ने ये कहा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में और वेलफेयर में ये किया जा सकता है, और तब कोई सिटीजन ये नहीं कहेगा कि ये हमारे जो आर्टिकल 19 में जो दिया गया है ना कि फ्री कोई भी अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता है जी क्लोज में दिया गया है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये भी हमारा जो आर्टिकल है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ जुडिशियल ऑफिसर। देखिए SB नारासीमा प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या हुआ था, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उन्होंने कैसे पहुंचा था कि क्या वो भी राइट और पब्लिश कर सकते हैं लीगल वर्क को ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द ऑफिस, तो कोर्ट ने कहा था कि हाँ बिल्कुल उन्हें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, वो भी पब्लिश कर सकते हैं कोई भी लीगल वर्क का आर्टिकल अपने टेन्योर ऑफ ऑफिस में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमने लॉज केस लॉज डिस्कस किए हैं और आर्टिकल 19 के बारे में जाना है। कैसा लगा आपको वीडियो, हमने 12-13 मिनट में ऑलमोस्ट 10-11 केस लॉ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और नोट्स आप देखना चाहें तो आप previousnotes.com पर जाकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम इसी तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम इस चैनल पर लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।